हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं राजकुमार प्रदीप और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं टेरेसा फिडाल्गो के बारे में। दोस्तों, टेरेसा फिडाल्गो का ये मैसेज जो है, जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कि मेरा नाम टेरेसा फिडाल्गो है और मैं आपके बाजू में आकर सो जाऊंगी, अगर आप ये मैसेज 20 लोगों को सेंड नहीं करेंगे तो मैं आपकी माँ को मार दूंगी। दोस्तों, ऐसा एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। काफ़ी लड़के ऐसे भी होते हैं कि अगर माँ की बात आती है तो हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच में ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो की पूरी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार टेरेसा फिडाल्गो कौन है। अगर हम गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो टेरेसा फिडाल्गो की कौन सी कहानी बार आती है? तो दोस्तों, टेरेसा फिडाल्गो की जो कहानी है वो फिलहाल स्टार्ट होती है, यानी कि एक पोर्टुगीज के डायरेक्टर जो है, उनका नाम है डेविड रॉबर्डो। दोस्तों, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं, एक लड़की है जो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो डेविड जो है वो जा रहे होते हैं पोर्टुगीज में किसी गलियों में, तो वहां पर एक लड़की उन्हें मिलती है। वो लड़की को हेल्प करते हैं, साथ में अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं और वो आगे जाते हैं। तब वो लड़की जो है वो उन्हें वो स्पॉट दिखाती है जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ होता है, फिर उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, ये सभी जो ये वीडियो है, अगर आप सर्च करते हैं तो ये वीडियो वहां पर दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की सच्चाई क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि टेरेसा फिडाल्गो जो है, ये जो कहानी है, ये जो वीडियो है, ये वायरल किया गया है और वायरल की दृष्टि से अगर हम देखे जाए तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज भी वायरल किया जा रहा है। तो गाइज, 1983 में एक लड़की थी जिसका नाम टेरेसा फिडाल्गो था, तो उसकी डेथ हो चुकी थी कहीं पर कार एक्सीडेंट में। तो दोस्तों, उस कहानी को कहीं ना कहीं जोड़कर ये वीडियो बनाया गया है और वीडियो को वायरल किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को वायरल करने के चक्कर में इस कहानी को घुमाया जा रहा है बार बार और सभी को शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं हमारे इंडिया में हुई हैं, जैसे कि बाल काटने वाली जो चोटी कटिंग की जो कहानी हो गई, इसके बाद तेरा सुरूर एक गाना आया था हिमेश रेशमिया का और इमरान हाशमी का जो गाना था, अगर वो गाना कोई दिन में सुन ले तो भूत आ जाता है। ऐसी ही कहानियों से जुड़ी हुई बात है ये। ऐसी ही कहानी है कि आप 20 लोगों को शेयर करो और आपकी माँ मर जाएगी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी झूठी कहानी है, इसमें कोई सच दिख नहीं रहा है, कोई तथ्य नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, ये एक वायरल करने का जरिया था। डेविड रॉबर्डो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस केस की जानकारी जो है वो पूरी की पूरी पुलिस के पास है। तो दोस्तों, डेविड ने ये भी बताया था कि ये एक वीडियो वायरल करने की ट्रिक थी जो हमने आप सभी के पास जो मैसेज पहुँचाया। तो दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो खबर है, ये पूरी वायरल वीडियो है, ये पूरा का पूरा झूठ है, पूरी की पूरी ये जो फोटो है ये फेक है, ये कोई ऐसा टेरेसा फिडाल्गो ने नहीं किया है। तो दोस्तों, हम सभी सेफ हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के इस वीडियो के बारे में, तो अपने भाई को कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि ब्लडी मैरी जो है उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊं। ब्लडी मैरी का जो रात को मोमबत्ती लेके खड़ा रहना, इन सभी के बारे में मैं सोच रहा हूं। अगर आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके बताते हैं, तो मैं इसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।